नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अभी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के, वो आ गए हैं, फिलअप होना स्टार्ट हो गया है 11 तारीख से। तो आप सभी जो है फॉर्म कैसे भरेंगे इसके संबंधित मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस समय एक नया जो है रूल बोलें या तो फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बोलें NAD नाड, इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ के ID को या एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते समय एक जगह आएगा जहां पर आपको इसको फिल करना होगा। तो जब तक कि आप इस रजिस्ट्रेशन को नहीं करेंगे कंप्लीट, तब तक आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड होगा। तो फिर ऐसा है, तो आप कैसे नाड में जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या लगेगा, ये सब डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाड का रजिस्ट्रेशन किए बगैर कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म कैंडिडेट्स जो होगा वो नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि नाड जो है दो टाइप से फिलअप करा जा सकता है, रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है उसका। पहला एक विद आधार एंड सेकेंड विदाउट आधार। विद आधार में क्या होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड होने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो उससे लिंक है कि नहीं, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो उसको भी पता करने का भी तरीका है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा। अगर आपको आधार कार्ड को चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, इसके लिए एक अदर वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप, तो वहाँ से आप जाकर चेक करके आ जाइए। अब लिंक है तो इस वाले से आप करेंगे, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपके पूरे डिटेल्स जो हैं अपने आप आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कुछ जल्दी हो जाएगा। अब जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड है लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, विदाउट आधार वाले में जाएंगे, ठीक है। साथ ही चलते चलते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे कैसे जाना है। तो विदाउट आधार वाले में जाएंगे, जैसे कि आप किसी भी ब्राउज़र से जाके आप सिर्फ NAD लिखेंगे तो ऊपर में NAD.NDML.IN आ जाता है, टच करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और इसको डेस्कटॉप साइट बना लीजिए आप। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे आप रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, तो रजिस्टर्स पे टैग करके यहाँ पर ये लिखा हुआ है विद आधार एंड विदाउट आधार। तो आधार है तो विद आधार, लेकिन आधार होने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार से तब, और अगर आपके पास आधार है और लिंक नहीं है तो विदाउट आधार, और आधार नहीं है तो भी विदाउट आधार, ठीक है। तो विद आधार का मैंने बताया, चलिए देख लेते हैं इसको। विद आधार में जाएंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा है रजिस्टर यूजिंग यूआर आधार, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टू जनरेट आधार पेपरलेस ऑफलाइन EKYC डाटा, यहाँ पर से क्लिक हियर करेंगे। क्लिक हियर करने के बाद ये वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपको 12 डिजिट का UID लिखना है, आधार नंबर, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, सेंड OTP सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्राइटेरिया फील्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको OTP को डालने पूछेगा, फिर डाल दीजिएगा, फिर आपको डाउनलोड हो जाएगा ZIP फाइल में आपका आधार कार्ड, ठीक है, ZIP फाइल ये हो जाएगा। इसके बाद यही ZIP फाइल जो है जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो वापस आप कहाँ आएंगे, वापस इस साइट पर आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये अपलोड लिखा है, यहाँ से उस ZIP फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे जाके ZIP फाइल को अपलोड कर दीजिएगा अपलोड के माध्यम से। फिर इसके बाद इंटर फाइल पासवर्ड, तो ये जो इंटर फाइल पासवर्ड है इसको आपको डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये पासवर्ड को आपको फिल करना है, और उसके बाद
यहाँ पर जो कैप्चा है उसको इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद इसको ओके करना है एंड सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, फिर सबमिट होने के बाद ओके, उसके बाद यहाँ पर सामने में ही आपको पूरा डिटेल्स दे देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये सब हो जाने के बाद आपको दो मैसेज आए होंगे, एक ओटीपी वाला और एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाला। तो ये तो हो गया इसका काम, लेकिन इसके बावजूद एक मेल भी आया होगा, ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं आपको मेल कैसे आया होगा। यहाँ पर ये देखिएगा, डू नॉट रिप्लाई नाड, तो इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आपको डियर करके आपका नाम लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रिसीव्ड NDML नेड इंस्टीट्यूशन आपको बता दिया है कि, और देखो क्या लिखा है, प्लीज़ क्विकली विजिट योर इंस्टीट्यूशन एंड प्रेजेंट योर नाड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अथोराइजेशन, द रजिस्ट्रेशन वुड बी डीएक्टिवेटेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर अटैच्ड इन द एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। तो इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पहुंच जाना है वहां पर, जो है आपको वेबसाइट पे पहुंचा देगा, फिर वहां से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन का एक लॉगिन लिखा रहेगा, उस लॉगिन पे टच कीजिएगा, उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो बनाया है उसको डाल के लॉगिन कीजिएगा, फिर बाद में लॉग आउट कर दीजिएगा तुरंत। इतना करके आपको कन्फर्म कर लेना है तो ये पूरा आपका हो जाएगा। और यहाँ पर एक PDF दिया है जो कि आपका एक्नॉलेजमेंट जो है फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर जब तक आप लॉग आउट वाले तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, तो इसीलिए आप पूरा इतना जो है करना है आपको, ठीक है। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही अपडेट वीडियोस के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखें पूरा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है, और फॉर्म भरने में बड़ा दिक्कत हो रहा है सभी को, तो कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने क्लासमेट तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, आपके कॉलेज के क्लासमेट के ग्रुप जो बना होगा उसमें भी शेयर करें, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वो जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर सकें। हमें भी दिक्कत हुई थी, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे दिक्कत दूसरों को हो, तो हमें जब पता चला है तो ये नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्षांश कोचिंग क्लासेस।